दोस्तों जैसे जैसे 11 अगस्त पास आती जा रही है, वैसे ही दोस्तों इस साल रिलीज होने वाली दो सबसे मच अवेटेड फिल्में गदर 2 और ओ माय गॉड 2 में बॉक्स ऑफिस की बाजी कौन मारेगा, इसका सस्पेंस भी ओपन होता जा रहा है। आज दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों के एडवांस बुकिंग को शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों इन 3 दिनों में इन दोनों ही फिल्मों में किस फिल्म के कलेक्शन ज्यादा रहे हैं, किस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक सबसे ज्यादा टिकट बेच दिए हैं, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ बात करने वाले हैं इन दोनों ही फिल्मों के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन और स्क्रीन्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओ माय गॉड 2 जिसके लीड में आपको अक्षय कुमार, यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी नजर आने वाले हैं, ये एक कॉमेडी सटायर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है अमित राय ने। लगभग 65 से 70 करोड़ रुपए के ही बजट से बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को CBFC की तरफ से एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म में आपको एक भी सीन कट होते हुए नहीं देखने को मिलने वाला है। फिलहाल में दोस्तों इस फिल्म के ट्रेलर को कल रिलीज किया जाना था, लेकिन दोस्तों नितिन देसाई जी की मौत के बाद इस फिल्म के ट्रेलर को आज 11 बजे रिलीज किया जाना है। अगर बात की जाए इस फिल्म के अभी तक के टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शंस की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि अक्षय कुमार के इस फिल्म की एडवांस बुकिंग जल्द ही शुरू कर दी गई थी और बिना ट्रेलर देखे ही इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस के बीच में अच्छी एक्साइटमेंट देखने को मिली। फिलहाल में दोस्तों इस फिल्म के 18,000 से ज्यादा टिकट ऑनलाइन बेचे जा चुके हैं, जिससे कि इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 48 लाख रुपए के आंकड़ों को पार कर चुका है और ये फिल्म इस साल की टॉप ओपनर फिल्मों की लिस्ट में अभी से ही शामिल होने जा रही है। इस फिल्म का दोस्तों जिस तरह का क्रेज बना हुआ है और आज दोस्तों इस फिल्म का जो 11 बजे ट्रेलर रिलीज होने वाला है, उसको मिले हुए रेस्पॉन्स के बाद देखना होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल कर सकती है। फिलहाल में ये फिल्म डबल डिजिट की ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2800 से 3000 स्क्रीन पर रिलीज किया जाना है, क्योंकि दोस्तों PVR के साथ इस फिल्म के मेकर्स ने एक टाइप कर लिया है और इस फिल्म को बड़ी सिटीज में और मैक्सिमम स्क्रीन PVR की ही मिलने वाली है। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म अपने पहले दिन फिलहाल में 12 से 15 करोड़ रुपए के बीच की ओपनिंग लेती हुई नजर आ रही है। अगर इस फिल्म के ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो उम्मीद है दोस्तों कि यह फिल्म 20 करोड़ के भी आंकड़े को टच कर ले। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर फिल्म गदर 2 के बारे में, जिसका इंतजार सभी को है और आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा नजर आने वाले हैं। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को लगभग 2500 से 2800 स्क्रीन पर ऑल ओवर इंडिया में रिलीज किया जाना है। ये फिल्म दोस्तों मैक्सिमम सिंगल स्क्रीन पर रिलीज होने वाली है और सिंगल स्क्रीन पर जिस तरह की कमाई इस फिल्म की होने वाली है, उतनी अच्छी कमाई इस साल रिलीज होने वाली पठान की भी नहीं हुई होगी। गदर 2 के दोस्तों ट्रेलर और टीजर को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिल चुका है, यही वजह है दोस्तों ये गदर 2 के लिए जो ऑडियंस के बीच में बज है वो काफी अच्छा है। सनी देओल एक बार फिर से आपको एक्शन अवतार में देखने को मिलने वाले हैं और यही वजह है दोस्तों कि उनकी इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग है वो काफी शानदार चल रही है। अभी तक दोस्तों इस फिल्म के लगभग 35,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, जो कि एक तरह से हिस्टोरिकल है। इस फिल्म की दोस्तों अभी तक की जो टोटल एडवांस बुकिंग है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है और इस फिल्म के जो इंटरेस्ट है वो बुक माई शो पर भी 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। ये फिल्म भी दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर बन सकती है और लगभग 25 से 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ले सकती है। हालांकि दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों की रिलीज में अभी भी 8 दिनों का समय बचा हुआ है और दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों का जिस तरह का क्रेज हमें देखने को मिल रहा है, इस साल सबसे बड़ी ओपनिंग 11 अगस्त को ही होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही फिल्में मिलकर 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई अपने पहले दिन कर सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सनी पाजी और अक्षय कुमार दोनों की ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन एक सुपरहिट ओपनिंग लेगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।